जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भारत, जय पितृकुड़ा, जय पितृकुड़ा, जय पितृदेवता, जय श्री राम। और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया मूवी कुछ हो नहीं सकती। बहुत बढ़िया था, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, सबको बधाई हो, धन्यवाद, शुभकामनाएं हमारे तरफ से, बहुत जी। जरूर आओ जी। ठीक लगी मूवी आपने? मूवी यार रोना आ गया। कैसी थी मूवी? बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब दिल को छूने वाली मूवी बनाई। धन्यवाद, सच में मुझे तो इतनी अच्छी लगी, मैं सबको बोलूंगी देखो। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग दोषी हैं कि हम लोग अपना पहाड़ छोड़ के यहाँ बसे। इतने एक्टर से काम करना बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी फिल्म। सबसे पहले तो सब्जेक्ट इज वेरी डिफरेंट और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहा आपकी सिनेमेटोग्राफी, रियली तारीफ के काबिल है। और कुछ लोगों ने बहुत नए जो पहली बार काम कर रहे हैं वो बच्चों ने भी बहुत अच्छा काम करा, तो मेरी शुभकामनाएं फिल्म के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। कल लगी मूवी? बहुत सुंदर, क्या बात है। कल लगी मूवी आपकी? क्या बोल रहा हूँ मूवी बाकी सब बहुत बढ़िया। धन्यवाद, आपको ठीक लगी? बहुत ही अच्छा संदेश, धन्यवाद। अरे पहलुओं को ले लीजिए, पहाड़ की जितनी वेदना है। जी जी, हमारे बच्चे बताओ मूवी कैसी लगी, क्या समझ में आया? अच्छी मूवी है और मोटिवेट हो गए हम बहुत ज्यादा, और मुझे लगता है युवा को ज्यादा देखनी चाहिए मूवी। बिल्कुल, आप मोटिवेट करोगे ना वो लोगों को। मैंने स्टोरी लगा दी है कि आप आइएगा और देखना इसमें। आज हमारे बीच पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय श्री सच्चिदानंद शर्मा जी और अपनी पत्नी के साथ आए हैं। सर, ये पितृकुड़ा जो कि हमारी पुरानी रीति रिवाज परंपराएं हैं, और लेखक ने और निर्देशक ने कहां तक अपनी बात रखने में वो सफल हो पाए, प्लीज बताएं। नमस्कार, मैं बहुत अच्छी जो ये फिल्म आज हमने यहां पर देखी है, प्रदीप भंडारी जी को जिन्होंने बहुत अच्छी सुंदर पटकथा इस फिल्म की लिखी है, निर्देशन किया है, और तमाम कलाकारों को, हमारी आयुषी जुयाल जी हैं, कमला जी हैं, कोमल रावत जी हैं, राणा जी हैं, और जितने भी कलाकारों ने इसमें काम किया है, बहुत अच्छी थीम को लेकर के काम किया है। जैसे कि नाम से ये कि पितृकुड़ा, और एक ऐसा संदेश देने का काम इस फिल्म ने किया है कि जो लोग अपने माता पिताओं को पहाड़ में छोड़ करके यहाँ प्रदेश में आ गए हैं और अपने माता पिताओं की चिंता नहीं करते हैं, अपनी संस्कृति से अलग हो गए हैं, और जिस तरह से कि ये इतनी टचिंग फिल्म है कि उनको प्रेरित करती है कि वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। एक अभिनंदन, धन्यवाद, आभार, जन की आप सुनो कि मन बराबर पौना और पितर बराबर जपना। ये बात हमारे फिल्म बड़ा बता जाते पितृकुड़ा, और हाँ। कन रहा आप लोगों को अनुभव कर हमारे बीच विख्यात अभिनेत्री मंजू बहु जी हमारे बीच में छी, सुंदर अभिनेत्री और थोड़ा उजला तरफ ही नावा है, सुंदर सी मुखड़ी ने, आप इस साइड से आई। हाँ, आप बताओ ये फिल्म जो लेखक च और जो निर्देशक च अपुर बात रखण कब तक सफल भाई, मैं आप अगर शब्दों में प्लीज। देखा सबसे बड़ी फिल्म की जो बात चे, ये फिल्म ने हमसे बांध इक रखी शुरू से लेकर अभी तक, एक्टिंग वाइज सब कलाकार सुपर अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, और विशेष रूप से सेकंड हाफ बहुत ही इमोशनल था, और आयुषी आपकी एक्टिंग ने तो मार डाला। थैंक यू। और सच में कह रही हूँ की बिल्कुल इन लगन छा जन गौमा देवी देवता मैंने तनी बिल्कुल इन लगन छा, और बहुत ही बढ़िया, और लेखनी प्रदीप भंडारी तो बहुत बढ़िया लिख दाना, वो कह का बाना भी उल्लेख है, तो मम्मी भी अपने किरदार निभाए छो बहुत बढ़िया, और सरा मजा कलाकार। दूसरी बात म्यूजिक जो छो बहुत धीमू छे, चटक पटक वाला म्यूजिक नहीं छे, लेकिन म्यूजिकल भी बहुत आकर्षित है, मतलब कुल मिला की फिल्म बहुत अच्छी। चलो धन्यवाद मंजू जी, हमारे बीच चंदन कुमाऊ क्षेत्र से थे, रिप्रेजेंट कर दिया, बहुत अच्छे, और हमारे गढ़वाल और कुमाऊ दियो खड़े लगातार काम करना चाहिए, बहुत बढ़ते से काम करते। सर, मैं तो कौन चाहू कि मेरे को बात जो फिल्म ये बना रखे है ये ना सुपर डुपर फिल्म से, प्रदीप भंडारी जी को बहुत बहुत बधाई छू, और मैं सब कुमाऊं लोगों से ले भरोसा कह सकता हूँ कि यह फिल्म को जरूर देखो,
बिल्कुल ना तुम लैंग्वेज में के प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सुंदर। मैं अपन घरवाल की पहल बेर लीबेर आई घरवाल फिल्म देखने, और ये पूरी फिल्म में ये जतू एंजॉय और जतू एक एक डायलॉग भरपूर आनंद ले, और जो ये सीख सीखो अपन संस्कृति में, शायद वो मैं दोबारा के नहीं दे सकनी अगर नहीं लोने। तो सब लोग आओ खूब देखो, और अपन उत्तराखंड गढ़वाल कुमाऊं फिल्मों के खूब हॉलों में आबेर देखो, वो इंतजार नहीं करो कि सीडी में या सीडी तो आप बोलना यूट्यूब में आज तब देखो। बहुत बहुत बधाई टीम क्रम्मा पूर्णिमा पोखरियाल जी और हमारे पोखरियाल भाई साहब अमरनगर आया छी भाई, कल लग गया फिल्म आपने देखी की लेखल बहुत मेहनतकार है और बहुत कोशिशकार की पुरानी पीढ़ी थी नई पीढ़ी तक जोड़े जाओ भाई, हम धीरे धीरे अपना रीति रिवाज संस्कार है भूल जाना चाहो तो कब तक सफल हुआ हमारे लेखक जरा अपना विचार रखो भाई जी। फिल्म जो आज हमने देखी चित्रकूड़ा बहुत ही मतलब शानदार पिक्चर है। अब शानदार मतलब एक इसका बढ़िया मैसेज हमारे मतलब पहाड़ का लोगों ने दी, आप अपना माँ बाबू थे भी देखो अपन पितृकूड़ा जो हम बात करो पितरों की अपन घर देव भूमि वे पर भी ध्यान दो यार, ये मैसेज और ये फिल्म और ये लोग जीवंत तो उदाहरण छी। हाँ। क्योंकि मेरे को फिल्म देखने के बाद सबसे पहल कार ही उनकार के घर में आप और घर में जाके भी रोखास ब्लॉक से आप घर की जगह भेजी अमेर बहुत सुंदर मकान बनाया, दुई मंजिल मकान बना अक्सर वीडियो आप देखो अभी तो वास्तव में जो लोग प्रेम कर दिए और वो यूं फिल्मों तो देखे आत्मसात कर दी। देखिए दादी जी भी फिल्म को देखने के लिए आई हैं तो हमारे दादी जी का स्वागत करेंगे, इतने उम्र में फिल्म देखने आए तो स्पेशली हमारी तरफ से आपका है फुल वेल, हमारे टीम की तरफ से पितृकूड़ा टीम की तरफ से भंडारी जी की तरफ से हमारे आपको स्वागत है और बहुत उम्मीद है आप और हम लोग ये उम्र में भी आप आए फिल्म देखना था, कल लगी फिल्म आपका अच्छी लगी ये जो बुआरिया जो निकलम बुआरी ये जो बुआरिया पर समाज अगर बहुत जरूरी है एक बार दिखना चाहिए ना, तुम ये पिक्चर जरूर देखे। धन्यवाद 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 जी जी ठीक लगी आपने मूवी ठीक लगी है, बहुत सुंदर फिल्म है, बहुत बड़ा संदेश है के लिए, हमारी जो कहीं ना कहीं लगी ना कि पॉपकॉर्न नहीं खाना भूल गया, मजा आया पर्दे भाई की बहुत बढ़िया एक्टिंग, पर्दे भाई ने मजा लगा दिया धन्यवाद। कोटद्वार में देखेंगे फिर से जी जी 8 तारीख कोटद्वार में आप चलेंगे सुपर धन्यवाद थैंक यू आप बहुत अच्छी ठीक है यूथ के लिए बहुत ही अच्छा ग्रेट बहुत अच्छा थैंक यू मैं सबसे पहले जो हूँ पूरी फिल्म यूनिट की ओर से जो है हमारे जो बहन जी आप पहुंचे हैं और आज हमारे आशीर्वाद देने को आगे के रूप में आओ सर आपका पूरी हम फिल्म यूनिट की ओर से सर आपका स्वागत करते हैं। ये जो पितृकूड़ा और हमारा जो रीति रिवाज और हमारा जो समाज जो हम लोग रचे हैं वैसे छूँ बहुत वर्षों से जो चाहिए ये रीति रिवाज चलना चाहिए और बहुत सुंदर से आज हम बेशक जो महानगरों में आ गए हूँ लेकिन अपने जो रीति रिवाज और हमारे जो पितृ प्रति जो हमारे सौदा च वो हम तक अभी नहीं भूलना चाहते और ये इन अच्छी फिल्म एक मैसेजिंग फिल्म च और मैं जो एक जो निर्देशक और जो कहानीकार छी हमारे भाई प्रदीप भंडारी जी उनसे बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट उठाई उसमें एक संदेश को दिया है भाई साहब ने, इनमें अपने अच्छा किया अच्छी सोच उन्होंने कहानी अच्छी बनाई जो आज का स्थिति हमारी है हमारे बच्चे बाहर हैं गांव में घर पे पता नहीं गांव कहाँ है घर कहाँ है खेत कहाँ है वो इन्होंने दिखाया कि आप घर आओ अपने घर आओ घर आपसे करो घर पे काम करो और सबसे बड़ी चीज़ है कि
अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपने माँ बाप की सेवा करो। बहुत सराहनीय काम किया आप लोग, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत 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 शुभकामनाएं हम पूरे टीम की तरफ से। आप सबका टीम जो धन्यवाद, इसके बहुत अच्छी है। आप पहाड़ में प्यार करने वाले लोग सुने, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप लोग पहाड़ में प्यार नहीं करते ना, अच्छी नहीं लगती फिर अकेले की पहाड़ में प्यार करते ना, पहाड़ की संस्कृति से प्यार, हाँ बात। मेरा नाम उमेश बंदूरी है और ये जो फिल्म है एक बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट, एक अनछुआ सब्जेक्ट। अभी तक हमने गढ़वाल की, उत्तराखंड की बहुत फिल्में देखी है, अलग अलग विषय पे देखी है, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट था जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि इस सब्जेक्ट में भी फिल्म बन सकती है। बहुत सुंदर सारी फिल्म, बहुत अच्छी चलेगी ये फिल्म, लोगों को देखना भी चाहिए। जी जी जी, है ना, जो कंटेंट है वो बहुत खूबसूरत है और ये चलेगा। धन्यवाद धन्यवाद। सारे आर्टिस्ट बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, DOP बहुत बढ़िया, निर्देशक बहुत बढ़िया जी, बाकी सब कुछ बढ़िया। थैंक यू। संस्कारी इनिशिएटिव है जो प्रवास में देवभूमि के लोग आ गए हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस फिल्म के माध्यम से, जो आपकी पितृकूड़ी फिल्म है, इसके माध्यम से हम लोग की उम्र के हैं और हमारे बाद आने वाली पीढ़ी भी इन चीजों से कुछ सीखेगी और गांव गलियारों के बारे में सोचेगी, अपने पितरों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में। तो मैं कहता हूँ कि धन्य है इस फिल्म को बनाने वालों को और धन्य है आपको, आप जैसे कलाकारों को, आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। पितरकूड़ा और एक एक मेंबर हूँ, बहुत अच्छा रोल था और फिल्म देखी बहुत रोन हुए हैं और मुझे लगता भी है कुछ लोग इस पिक्चर को देख के शायद अपने गांव वापस भी गए। और मेरी बेस्ट फ्रेंड आई है आज मेरी फिल्म देखने, बहुत खुशी हुई। बुरा हाल हो गया, मेरा लाइनर भी खराब हो, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी।